सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर इंटीग्रेशन में आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो आइए देखते हैं स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। और इससे पहले मैंने आपको ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाई, तो ग्रीन्स थ्योरम में आपने देखा लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशन को स्थापित करती थी ग्रीन्स थ्योरम। ठीक उसी प्रकार जो स्टोक्स थ्योरम है वो भी लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को स्थापित करती है, दोनों के बीच रिलेशन को। ठीक है, तो हेडिंग लिखें आप रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन दोनों के बीच रिलेशन, किस किस के बीच, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, क्लियर है? तो देखो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच संबंध स्थापित करते थे ग्रीन्स थ्योरम। ठीक उसी प्रकार स्टोक्स थ्योरम है, तो सच दैट करके हेडिंग लिखो स्टोक्स थ्योरम, क्लियर है? चलो देखो इस तरीके से थ्योरम होती है। ये है लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग, ठीक है, क्लोज्ड या कर्व, क्लोज्ड है यानी जो कर्व है, जो वक्र है वो कैसा है, बंद है। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल है अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, और वेक्टर एफ डॉट डी आर ये बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल कर्ल। ठीक है, कर्ल कर्ल तो पढ़ा है ना आपने, वेक्टर इंटीग्रेशन से पहले ही पढ़ाया था वेक्टर डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चैप्टर था आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है, डॉट एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, ये जो थ्योरम है आपके सामने इसे क्या कहते हैं आप, स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, और कर्ल एफ को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर एफ डॉट डी डी वेक्टर आर और ये सरफेस इंटीग्रल। कर्ल एफ को मैंने बताया था कि डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसे ही कर्ल कहते हैं, डॉट एन कैप और इनटू डी एस। तो ये भी आपकी कौन सी थ्योरम है, ठीक है, इसे भी आप कहते हैं स्टोक्स थ्योरम, क्लियर है? दोनों ही किसके स्टेटमेंट है, स्टोक्स थ्योरम के। ठीक है, इसे नोट करो, फिर इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर जो है ना हम YouTube पर भी रखेंगे, तो मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम का लेक्चर YouTube पर नहीं था तो इसमें ये और बता देता हूँ कि सिंबल क्या क्या हैं, बाकी जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे कि ये सिंबल क्या क्या हैं। देखो वेक्टर एफ जो है आपको पता है कोई वेक्टर फंक्शन है, क्या है, वेक्टर फंक्शन, ठीक है, यानी कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कैसा फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, क्लियर है? और डी आर आप समझते हैं, डी वेक्टर आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, कर्ल के बारे में मैंने बता दिया है कि डेल के साथ क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है। और ये जो एन कैप है इसे कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यानी एकांक, ठीक है, लंबवत सदिश, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है ये, जो सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, जैसे डी एस है ना, तो ये सरफेस है ना, सरफेस यानी पृष्ठ, तो ये एन कैप जो होता है उसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल का अर्थ क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन पर कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो ठीक मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बाकी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने को आता है, ठीक है, और स्टेटमेंट है ना आप लिख सकते हैं, ये बताना है वेक्टर एफ क्या है और फिर एन कैप बता दो और बाकी इस तरह से लिख दो, तो यही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, इसके क्वेश्चन को करेंगे तो और ज़्यादा ये थ्योरम आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को करने के बाद स्टोक्स थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे होता है। देखो यूज स्टोक्स थ्योरम टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और आपसे कहा सी इज द स्क्वायर, सी कोई स्क्वायर है, वर्ग है,
हैविंग वर्टिसेस, और उसके ये दे रखे हैं निर्देशांक, ठीक है, यानी सिरे, वर्टिसेस यानी सिरे, ठीक है। तो स्क्वायर इस तरीके की आकृति होती है जिसे आप वर्ग कहते हैं, और ये है ना इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, और आप देखें 1,1 दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पर 1 चले, वाई एक्सिस पर 1 चले, तो ये हो जाएगा 1,1। फिर है ना एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर नीचे की ओर चलोगे तो हो जाएगा -1,-1। और देखो वाई एक्स एक्सिस पर तो निगेटिव चल रहे हो, लेकिन वाई एक्सिस पर पॉजिटिव चल रहे हो। इधर देखो वाई एक्सिस पर निगेटिव चल रहे हो, लेकिन एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव चल रहे हो, ठीक है। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर निगेटिव, ठीक है। इस दोनों एक हो रहे हैं, तो देखो यहाँ देखो आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर तो पॉजिटिव चल रहे हो, ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ चल रहे हो तो एक्स एक्सिस पर क्या चल रहे हो, निगेटिव। तो ये हो जाएंगे, ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आई, ये है आपका डायग्राम। और आगे देखो यूज स्टोक्स थ्योरम, हाँ स्टोक्स थ्योरम लगानी है, तो पहले स्टोक्स थ्योरम तो लिख दो। ये होती है वेक्टर एफ डॉट डी आर, और बराबर क्या होता है, बराबर सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ होता है कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, और यहाँ क्या है डॉट एन कैप और इनटू डी एस, ठीक है जी। ये है स्टोक्स थ्योरम। तो वेक्टर एफ डॉट डी आर दे रखा है आपको, तो वेक्टर एफ कितना है, देखो एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई है ना, तो ये एफ वन है और ये एफ टू है, तो वेक्टर एफ वन क्या, एफ वेक्टर एफ क्या हो जाएगा, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप, ये वेक्टर एफ है एफ वन, ये वेक्टर एफ टू है, ठीक है, मतलब एफ वन है ये एफ टू है, ठीक है, बताऊंगा कैसे। एफ वन एक्स वाई आई कैप प्लस एफ टू एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है जी। तो ये वेक्टर एफ है, और डी वेक्टर आर तो आप मानना जानते हो, कैसे मानते हो, डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। आपको वेक्टर एफ डॉट डी आर चाहिए, वो दे रखा है हालांकि, लेकिन चलो निकाल के बता दूं मैं आपको कैसे निकालते हैं। वेक्टर एफ की वैल्यू रखो एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप और डॉट जो जगह डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है जी। देखो i डॉट i वन तो हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, j डॉट j वन तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर j डॉट j वन हो जाएगा, और ये आएगा डी वाई। तो ये सारा f डॉट डी आर आ गया, तो यानी ये जो दे रखा था ना सेम तो था, इसका मतलब f डॉट डी आर दे रखा है उसका निकालना था ये थ्योरम लगा करके, ठीक है। तो इसका मतलब है वेक्टर एफ इस तरीके से मान लेते हैं, तो ये जो शुरुआत में होता है ये एफ वन होता है, ये एफ टू होता है, और वेक्टर एफ यहाँ से निकल जाता है, डी आर आपको पता ही होता है ये होता है। और देखो ठीक है, इसके बाद देखो कर्ल एफ निकालना है, इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी कर्ल एफ की, तो कर्ल एफ निकाल लो। तो कर्ल एफ का मतलब है डेल क्रॉस एफ, डेल का मतलब है डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पेड बैच में, जिसका नाम है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो वहाँ से मैंने आपको कर्ल निकालना बताया था, बाकी कर्ल निकालना आप जानते होंगे। देखो डेल क्रॉस एफ होता है, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल, हाँ जेड की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो इतना ही रहने दो। क्रॉस वेक्टर एफ का मान रखो ये रहा एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, कर्ल निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखो इसे सारणिक से निकालते हैं, नीचे का आपको दिख रहा होगा इसे, हाँ चलो उस साइड में कर लेते हैं, तो इसे सारणिक से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो सारणिक बना लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे का करता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। तो इस डायग्राम की आवश्यकता हाँ अभी पड़ेगी, तो है ना मैं काम करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी है ना बस।
तो इधर कर लेते हैं, या चलो इधर कर लेते हैं ना। देखो इसका सारणिक से निकलेगा ये, सारणिक यानी डिटरमिनेट। तो डिटरमिनेट बनाओ कैसे करते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा आपका इस तरीके से, आई कैप कोमा जे कैप और यहाँ के कैप, ठीक है इस तरीके से। ठीक है तो देखियो आई की गुणांक वाला क्या है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल पहले है ना, कर एफ बाद में है तो पहले डेल वाला रखो, और यहाँ जे के नीचे डेल ओवर डेल वाई, के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो, ठीक है के है ही नहीं जीरो के, तो जीरो जाएगा। यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर, और जेड वाला है नहीं तो जीरो, ठीक है इसका प्रसार कर लो, प्रसार करना आप जानते होंगे एक्सपेंशन, आई कैप, ठीक है इसे दबाओ इस, है ना इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो क्या आ गया जीरो, ठीक है माइनस जे कैप, इसे दबाओ इसके इसमें क्या आया जीरो, प्लस के कैप, ठीक है तो के कैप है तो इसे दबा लो लास्ट वाले को, तो इसके इसमें, तो ये है डेल ओवर डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर, माइनस इसके इसमें बीच में माइनस लेते हैं ना, डेल ओवर डेल वाई, और ये है एक्स वाई, ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल करना है, पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है तो ऊपर को कर दूं, यहां देखो तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ जो है आपका कितना जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करो एक्स का वन, तो केवल वाई स्क्वायर बचा, ठीक है माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करो वाई का वन एक्स बचा, और इंटू में क्या है के कैप, तो ये वैल्यू निकल के आई कर्ल एफ की, ठीक है। तो वीडियो को यहां तक पॉज करके नोट कर लो आप, बाकी मैं रफ कर देता हूं जिस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। देखो तो कर्ल एफ निकल गया, अब तो बस ये इस थ्योरम को लगाओ और इसकी वैल्यू निकाल दो, और इसकी वैल्यू यानी ये, तो ये आपको करना है। तो देखो देन ठीक है लाइन इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकाली थी वो रख दो चाहे, या फिर डायरेक्ट वहां से कह लो एक ही बात है एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, ठीक है कर्ल एफ की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू के कैप, और डॉट एन कैप है, तो देखो यहाँ एन कैप किसके बराबर होगा, मैंने बताया था एन कैप एक यूनिट नॉर्मल वैक्टर है, यूनिट नॉर्मल वैक्टर यानी मैंने बता यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का तो आपको पता है आई कैप होता है, वाई एक्सिस का जे कैप होता है, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ जो वेक्टर होता है जे वो एक्सिस होता है जेड उसका के कैप होता है, ठीक है। तो मैंने बताया एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो सरफेस के या प्लेन के कैसा है परपेंडिकुलर, तो सरफेस तो ऐसा है ना, तो इसका मतलब है एन कैप वो वेक्टर है जो सरफेस के कैसा है परपेंडिकुलर यानी बाहर की तरफ, यानी जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यानी एन कैप किसके बराबर हो जाएगा के कैप के बराबर हो जाएगा, ठीक है समझ गए। तो यानी यहाँ पर एन कैप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा के कैप के अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो यहाँ के कैप और इनटू में क्या है डी एस, क्लियर है बात समझ आ रही है। और लिमिट ले लो, लिमिट आपको पता है, ठीक है देखो एक्स एक्सिस की, देखो एक्स एक्सिस की लिमिट जो है माइनस वन से प्लस वन तक है, माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, ठीक है वाई एक्सिस की लिमिट भी माइनस वन से लेकर प्लस वन तक है, ठीक है तो लिमिट एक बार एक्स के लो माइनस वन से प्लस वन, और एक बार वाई के लो माइनस वन से प्लस वन, ठीक है क्लियर है। और डी एस की जगह क्या रख देते हैं, डी एस की जगह रख देते हैं सरफेस यानी एरिया क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो डी एक्स इंटू डी वाई, तो डी एस की जगह क्या रख देंगे डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है इस तरीके से। तो देखो के डॉट के क्या हो जाएगा वन, तो ये छोड़ो ठीक है, तो पहले इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, तो एक्स बराबर माइनस वन से एक्स कितना हो जाएगा प्लस वन तक लिमिट, और इसका वाई के रेस्पेक्ट में करो तो कितना आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा वाई क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स वाई, ठीक है ना एक्स तो ऐसे रहा वन का वाई हो गया, और वाई की लिमिट है माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, ठीक है जी। तो देखो एक काम करो, या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो
या फिर प्रगुण लगा लो, एक प्रॉपर्टी लगा लो, उससे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है आप इंटीग्रेशन में जानते हैं, देखो सुन लो एक बार। इंटीग्रेशन यदि माइनस ए से प्लस ए हो, ठीक है, तो जो लिमिट में दो बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब लिमिट हो जाती है 0 to a f(x)(dx), ठीक है। तो ये प्रगुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल में। यदि लिमिट माइनस ए से प्लस ए है तो दो बाहर आके लिमिट हो जाएगी 0 to a। तो यहाँ भी -1 से +1 है, तो लिमिट प्रगुण लगा लो ये प्रॉपर्टी, तो 2 बाहर आएगा। x बराबर है -1 से लेकर +1 तक, केवल इस पे लगाओ अभी, 2 बाहर आया तो लिमिट हो गई y की 0 से लेकर 1 तक। और ये बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स और इंटू dx dy, k डॉट k कितना हो गया 1। अब करो इसका इंटीग्रेशन, तो 2 इंटीग्रल x बराबर -1 से +1, और देखो y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में करो केवल अभी, है ना, पहले y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स वाई, और लिमिट है 0 से 1 तक। y के रेस्पेक्ट में कर चुके तो केवल क्या बचा dx, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। चलो देखो इसके बाद इधर देखो, 2 बाहर, इंटीग्रल x बराबर -1 से +1, और देखो 1 रखो तो 1/3 और माइनस, ठीक है, 1/3 बचेगा, y की जगह 1 रखोगे तो, y की जगह 1 रखोगे तो माइनस एक्स बचेगा, ठीक है जी, क्लियर है। और 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा, छोड़ो dx। तो देखो इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या आएगा 2, है ना, इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट। तो देखो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, 1/3 ऐसे रहेगा, और 1 का x, तो 1/3x माइनस, और x का हो जाएगा x² / 2, ठीक है। और x के रेस्पेक्ट में करा है लिमिट -1 से +1, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू, पहले देखो x की जगह 1 रखोगे, ठीक है, और माइनस, तो इतना आया, फिर x की जगह -1 रखो तो देखो माइनस के 1/3, और ये आ जाएगा माइनस 1/2, क्लियर है। देखो ये तो 1/3 रहेगा, तो 2 × 1/3 माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 और प्लस का 1/2, तो 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2/3, और बाहर 2 है तो कितना आया आंसर, 4/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 4/3, और इसे नोट करें आप, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखें एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखो इवेल्युएट बाय स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के द्वारा आपको इवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, और सी कर्व है ये वाला, और है ना दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो देखो ये मैंने बताया आपको F1 है, और ये क्या होता है F2, ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ F3 भी दे रखा है इस बार, क्लियर है। तो देखो वेक्टर F लिख लो, वेक्टर F हो जाएगा F1 i कैप प्लस F2 j कैप और प्लस F3 k कैप। तो ये F1, ये F2 और F3 -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर F बराबर यहाँ से कितना आया, e की पावर x i कैप, ठीक है। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है ना, ज़रूरत पड़ेगी केवल वेक्टर एफ की, क्यों, कर्ल निकालने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको स्टोक्स थ्योरम की हेल्प लेनी है। और स्टोक्स थ्योरम क्या होती है मैं आपको लिख के बताऊं, वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है, ये किसके बराबर है, तो ये तो दे रखा है वेक्टर एफ डॉट डी आर की वैल्यू ये है, लेकिन ये किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो मेन बात है कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए वेक्टर एफ की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेक्टर एफ हो जाएगा ex i कैप प्लस 2y j कैप और माइनस 1 k कैप, तो माइनस k कैप लिख दूँ बस, ठीक है, क्योंकि ये F1 है, ये F2 है, और -1 जो है जेड की, डी जेड की मल्टीप्लाई में वो क्या है, F3 है, ठीक है, वेक्टर एफ निकल गया। चलो तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकालना है हमें, तो बस, तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, तो कर्ल यानी मैंने बताया डेल क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है, तो डेल क्रॉस वेक्टर एफ यानी i कैप j कैप और k कैप, डायरेक्ट कर दूं
डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, डेल ओवर डेल की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाई वैक्टर एफ की वैल्यू ई की पावर एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप माइनस के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करें सारणिक से करते हैं, डेल ओवर क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। यहाँ देखो ई की पावर एक्स टू वाई और माइनस वन, ठीक है। गुणांक लिखते हैं ए जे के आई जे के और देखो इसका प्रसार कर लो, तो आई कैप इसे दबा लो, इसकी इसमें होगी डेल ओवर डेल वाई माइनस वन, बीच माइनस इसके इसमें डेल ओवर डेल जेड टू वाई, ठीक है। माइनस जे कैप तो इसके इसमें होगी तो डेल ओवर डेल एक्स माइनस वन माइनस इसके इसमें होगी, है ना, बीच वाले को दबाते हैं ना, तो डेल ओवर डेल जेड और ये ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस के कैप रहता है तो इसे दबाओ इसके इसमें तो यह आएगा डेल ओवर डेल एक्स और ये टू वाई माइनस, है ना, इस केस में हो जाएगी तो माइनस के डेल ओवर डेल वाई और इनटू में क्या है ई की पावर एक्स, ठीक है। आप देखो जरा इसकी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो जीरो, है ना, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो जीरो, ठीक है, माइनस जे कैप, समझ रहे हो ना, पार्शियल डिफरेंशियल तो जानते होंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो वन है जीरो, माइनस जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो जीरो प्लस के कैप जीरो माइनस जीरो, सब कुछ जीरो हो गया तो ये कितना आया जीरो, यानी कर्ल ऑफ वेक्टर एफ आपका कितना निकल के आया जीरो, ठीक है। अब आपको थ्योरम लगानी है तो देखो ई एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई और माइनस डी जेड, ठीक है, ये किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर एफ कितना है जीरो इंटू एन वो डॉट एन कैप इंटू डी एस, तो सारा ये कितना गया जीरो, तो इसका आंसर ही कितना है, इसका जीरो आंसर आया, ठीक है। तो इसका पूरे का आंसर कितना है आपका जीरो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हो, है ना, स्टोक्स थ्योरम के, वो आप करके देखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आज के लेक्चर में, इतना ही रखेंगे और ये लेक्चर आपका यूट्यूब पर भी रहेगा, इसके बाद के लेक्चर्स स्टोक्स थ्योरम के आपके पेड बैच में होंगे। यदि आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन पे नंबर का लिंक दिया हुआ है, आप 100 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है उस पर भेज सकते हैं और आपको पेड बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।